चिचोली रिपोर्टर राजेंद्र दुबे। होटल में नाश्ता करते करते युवक की अचानक मौत हो गई। बैतूल जिले के चिचोली नगर मुख्यालय में शनिवार को होटल में नाश्ता करने आए युवक की अचानक मौत हो गई। युवक के पास सरकारी अस्पताल की पर्ची और दवाइयां मौजूद थी। यह घटना चिचोली नगर के मुख्यालय के जयस्तंभ चौक के समीप बीकानेर मिष्ठान भंडार की है। युवक की पहचान जसवंत पिता बाबूलाल अहिरवार 42 साल ग्राम कामल दिला दतिया का निवासी के रूप में की गई है। वह चिचोली थाना क्षेत्र के ग्राम गढ़ा स्थित फोर लेनर सड़क कंपनी के क्रेशर मशीन ऑपरेटर के पद पर पदस्थ था। उसकी गुरुवार को तबियत बिगड़ने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाई लेने आया हुआ था। कुछ ही दूरी पर बीकानेर मिष्ठान भंडार में नाश्ता करने पहुंचा। मामला आया एक मामला यह है कि बस स्टैंड के पास बीकानेर मिष्ठान अस्पताल वो क्या नाम होटल है, उसमें एक व्यक्ति जाकर नाश्ता कर रहा था। अचानक शायद वो कुछ गिर गया है। उसकी सूचना बीकानेर वाले मालिक ने दी है, जो वहाँ पर जो होटल चलाता है, थाने पर मोबाइल द्वारा। उसकी सूचना पर रघुवंशी साहब ASI मैं सुरेश ठाकुर और एक आरक्षक को लेके गए। वहाँ पर देखा कि वो व्यक्ति मतलब नाश्ता कर रहा था, वो गिर गया है। अब वो गिरा क्यों है, उसको मरा क्यों है, ये उसके जांच के बाद पता चलेगा। अभी अस्पताल लेके आ गए हैं। उसके परिजनों को वो सूचना दी गई है, जो दतिया जिला दतिया कामत के रहने वाले हैं। और ये जसवंत काम करता था गढ़ा का बंसल कंपनी में, गढ़ा में थ्रेसर में। क्या नाम है सर उसका मृतक? जसवंत अहिरवार, कामत का रहने वाला है दतिया का। जहां नाश्ता करते समय युवक अचानक बेंच से नीचे गिर गया। इसके बाद बीकानेर मिष्ठान भंडार में आसपास के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। आसपास के लोगों ने संजीवनी 108 को फोन लगाया, लेकिन चिचोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कई महीनों से 108 की सुविधा नहीं होने से समय पर युवक का उपचार नहीं हो पाया और कुछ समय बाद युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया है।